अब मैंने अपने चैनल पे 35,000 40,000 रुपीज का फुल सेटअप बिल्ड ऑलरेडी कर रखा है, तो आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन उन वीडियोस में पता है एक प्रॉब्लम थी, कहने को तो वो गेमिंग सेटअप थे क्योंकि आप उन पर टेक्निकली गेमिंग कर सकते हो, लेकिन सही मायने में एक गेमिंग सेटअप वो सेटअप होता है जहां पर आपको हायर रिफ्रेश रेट का मॉनिटर, आप गेम्स खेलो तो हाई सेटिंग पे अल्ट्रा सेटिंग पे बेहतरीन फ्रेम रेट्स मिले, साथ ही में परफॉर्मेंस भी आपको ताबड़तोड़ मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक सेटअप बिल्ड करने वाले हैं, फुल सेटअप बिल्ड होगा जिसकी ओवरऑल कॉस्ट होगी 50,000 रुपीस के आसपास। और अच्छी चीज ये है कि सेटअप में हम लोग जो मॉनिटर यूज करने वाले हैं वो है 144 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर, और यहाँ पर जो हम लोग प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड का कॉम्बो यूज करेंगे वो आपको बेहतरीन सीपीयू परफॉर्मेंस के साथ साथ आज के जितने भी मॉडर्न गेम्स है ना उनको हाई सेटिंग पे 60+ FPS पे और इवन कुछ गेम्स तो 100+ FPS पर भी खिलाने की कैपेबिलिटीज रखता है। और एट द एंड ये फुल सेटअप बिल्ड होने वाला है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको माउस, कीबोर्ड, माउस पैड और हेडफोन भी देखने को मिलने वाला है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट 50,000 रुपीस की है, जिसको कि आप अभी जाकर भी खरीद के बिल्ड कर सकते हो। वेल तो अगर आप भी इसी सेटअप में इंटरेस्ट हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर, सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई windowkeys.in। अगर आप यहाँ पर जेन्युइन विंडोज यूज नहीं कर रहे हैं और जेन्युइन विंडोज खरीदना चाहते हैं ना तो आप windowkeys.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विंडोज 10 की OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग अपने फुल सेटअप बिल्ड के बारे में कि यहाँ पर मैंने कौन कौन से पीसी पार्ट्स और पेरिफेरल्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प बता दे रहा हूँ आप लोग को ताकि अगर आप केवल पीसी बिल्ड में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ तक देखें और पेरिफेरल्स के बारे में देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर मैं जितने भी पीसी पार्ट्स मेंशन करने वाला हूँ ना उन सभी का मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी अपने चैनल पर डाल रखा है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हो। नाउ अपने बिल्ड को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि है हमारा प्रोसेसर। इस बिल्ड में मैंने यहाँ पर जो प्रोसेसर लिया है ना वो लिया है Ryzen 3 3100 जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये प्रोसेसर आपको अप टू 3.9 GHz की फ्रीक्वेंसी ऑफर कर देता है, और साथ ही में ये प्रोसेसर एक अनलॉक प्रोसेसर है, तो अगर आप इसे चाहो तो ओवरक्लॉक कर रहे हैं तो आप इसे 4.2 GHz तक आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको बताऊं तो ये प्रोसेसर जो आपको परफॉर्मेंस देता है ना वो बहुत ही सॉलिड है। तो अब यहाँ पर अगर आपको गेमिंग करनी हो या वीडियो एडिटिंग करनी हो या कोई भी CPU हैवी टास्क करना हो ना इस प्रोसेसर पर आप आराम से कर सकते हो। और वही अगर बात आती है गेमिंग परफॉर्मेंस की ना तो ये प्रोसेसर Ryzen 5 3600 के जितना गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। हालांकि CPU हैवी टास्क में थोड़ा सा पीछे आ जाता है, लेकिन जब आप ये कंसिडर करते हो ना कि यहाँ पर आपको ये प्रोसेसर 10,000 रुपये कम में मिल रहा है और बदले में लगभग सिमिलर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर बन जाता है। हमारे बिल्ड और हमारी नीड के हिसाब से ये प्रोसेसर बिल्कुल परफेक्ट था, और अगर आप करेंटली इसे मार्केट में लेने जाते हो तो ये प्रोसेसर आपको आराम से 8500 रुपीज के आसपास मिल जाता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि है हमारा मदरबोर्ड। इस बिल्ड में मैंने यहाँ पर जो मदरबोर्ड लिया वो आता है गीगाबाइट की तरफ से, गीगाबाइट का B450M। वैसे AMD तो रिकमेंड करता है कि इस प्रोसेसर के साथ आप B550 मदरबोर्ड लगाओ क्योंकि वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर प्रोसेसर को चलाकर दे देता है। लेकिन अब बिल्ड की कॉस्ट भी हमें थोड़ी सी कम रखनी है, बदले में कोई परफॉर्मेंस या कोई फीचर भी लूज नहीं करने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर B450 चिपसेट वाला मदरबोर्ड यूज किया है। करेंटली अगर आप B450 वाले मदरबोर्ड मार्केट में लेने जाते हो तो आपको 7,000 रुपये के आसपास आराम से मिल जाते हैं। साथ ही में ये मदरबोर्ड जो मैं फीचर ऑफर करता है ना वो बेहतरीन है, मतलब कि आपको 4 RAM स्लॉट, PCIe Gen 3 के यहाँ पर आपको NVMe स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर आप B450 चिपसेट वाले मदरबोर्ड के साथ जाते हो ना तो Ryzen 3 3100 को चलाने के लिए BIOS अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, तो जहां से आप लें तो एक बार सेलर को बोल दें कि भैया हमें मदरबोर्ड का BIOS अपडेट करके देना ताकि यहां पर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो।
तो अब यहाँ पर 7000 रुपए के हिसाब से ये मदरबोर्ड हमें बेहतरीन फीचर और बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर देता है। अगर आपको दूसरी ब्रांड का भी कोई B450 मदरबोर्ड मिल रहा हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि है हमारी रैम। इस बिल्ड में यहाँ पर जो हमने रैम ली है वो केवल 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली है जो कि आती है टीम फोर्स की तरफ से। करेंटली अगर आप इस रैम को लेने जाते हो मार्केट में तो ये आपको 2700 रुपीज़ की बहुत आराम से मिल जाती है। हालांकि 2700 रुपीज़ में आपको दूसरी ब्रांड की तरफ से भी रैम मिल जाती है, जैसे कि XPG की D30 हो गई और दूसरे ब्रांड्स के भी तमाम रैम आती हैं, तो रैम की कोई सीन नहीं है। हालांकि एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है, आप जो भी रैम लो उसकी फ्रीक्वेंसी 3000 मेगाहर्ट्ज़ से कम ना हो, क्योंकि उससे कम होगी तो आपका राइजन अपने फुल पोटेंशियल पर रन नहीं कर सकता। और 8GB रैम मैं मानता हूँ मोर देन इनफ है 1080p गेमिंग के लिए, और हमारी बिल्ड के हिसाब से ये रैम बिल्कुल परफेक्ट थी। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि है SSD। इस बिल्ड में यहाँ पर मैंने जो SSD लिया है ना वो लिया है 500GB की PCIe Gen 3 बेस SSD। हालांकि कॉस्ट को कम रखने के लिए आप इस SSD के साथ मत जाना, आप 240GB की M.2 SSD के साथ जा सकते हो, वो आपको 2500 रुपए की देखने को मार्केट में मिल जाती है। 250GB है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और 2-4 गेम्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ी सी स्पेस की कमी लगती है तो आप यहाँ पर 1TB की हार्ड डिस्क खरीद सकते हो जो कि 3000 रुपए की आपको मिल जाती है। लेकिन बिल्ड की कॉस्ट को कम रखने के लिए मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क को इंक्लूड नहीं किया है, केवल SSD को ही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। अब हमें यहाँ पर एक गेमिंग PC बिल्ड करना है, साथ ही में हमें सारे मॉडर्न गेम्स हाई टू अल्ट्रा सेटिंग पर खेलने हैं, प्लस यहाँ पर हमें जो फ्रेम रेट चाहिए ना वो 60-100 FPS के बीच चाहिए ताकि हम अपने गेमिंग मॉनिटर का फुल फ़ायदा उठा सकें। तो अब बजट में रहते हुए हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है मार्केट में वो है NVIDIA का GTX 1650 Super। और सबसे चीपेस्ट जो GTX 1650 Super आता है वो आता है Inno 3D की तरफ से। करेंटली अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को मार्केट में लेने जाते हो तो ये आपको 14,500 रुपये का आराम से मिल जाता है। 4GB VRAM ऑफर करता है, साथ ही में जो उसकी पावर रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, तो बेसिक वाले PSU से भी आराम से चल जाता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये ग्राफिक्स कार्ड ना मॉडर्न गेम्स हाई टू अल्ट्रा सेटिंग पे 60+ FPS पे आराम से खिलवा देता है। वही अगर आप सेटिंग्स को थोड़ा सा कम कर लो, हाई की जगह आप मीडियम पे चले जाओ ना, तो आप सारे ही गेम्स 100+ FPS पे बहुत आराम से खेल सकते हो। तब वहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा। तो अब यहाँ पर 13,000 रुपये में रहते हुए ना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1650 सुपर एक परफेक्ट ऑप्शन था। अब इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पावर देने के लिए जो पावर सप्लाई लिया है ना इस बिल्ड में वो आता है कूलर मास्टर की तरफ से 450 वॉट। अब आप में से हो सकता हो कुछ लोग सोच रहे हो यार कि इतना हैवी हम लोग ग्राफिक्स कार्ड भी ले रहे हैं, प्रोसेसर भी ले रहे हैं, तो 450 वॉट थोड़ी सी कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सिस्टम को जो टोटल पावर ड्रॉ है ना वो 400 वॉट से भी काफ़ी कम है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कूलर मास्टर की 450 वॉट की पावर सप्लाई परफेक्ट थी। इस पावर सप्लाई में अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कंपोनेंट यूज़ किया गया है वो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, साथ ही में यहाँ पर जो केबल्स आपको देखने को मिलती हैं वो ब्लैक फ्लैट केबल्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लीन लुक अचीव करना है या केबल मैनेजमेंट करना है या आपके कैबिनेट में केबल मैनेजमेंट के लिए उतना स्पेस नहीं है तो ब्लैक फ्लैट केबल ना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। और बाकी अगर आप इसे मार्केट में लेने जाते हो तो आपको ये 2500 से 2600 रुपए के बीच मिल जाती है। और वही अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मनी सेव करना चाहते हो तो आप एंटेक या थर्मल टेक की जो है ब्रांड के साथ जा सकते हो। उनकी पावर सप्लाई जो आती है 450 वॉट वो मस्टर्ड केबल्स के साथ आती है, तो वो थोड़े से कम प्राइस पर मिलती है, आप लगभग 500-600 रुपए सेव कर सकते हो, बदले में थोड़ा सा लुक्स ना उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने कैबिनेट के बारे में। इस बिल्ड में मैंने यहाँ पर जो कैबिनेट लिया ना वो आता है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से क्रोनस। इस कैबिनेट के बारे में बताऊं तो फ्रंट में भी आपको ग्लास देखने को मिलता है, साइड पे भी ग्लास देखने को मिलता है, और अच्छी चीज़ ये है कि कैबिनेट के अंदर आपको 4 RGB फैंस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप RGB फैंस का कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है यार, 2500 रुपए के कैबिनेट से आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको PSU श्राउड नहीं मिलता है, लेकिन अंदर जितना भी स्पेस मिलता है वो हमारे बिल्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशियंट है, और एयर फ्लो भी अंदर आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो 2500 रुपए के हिसाब से हमारी बजट में भी बढ़िया था, लुक वाइज भी बढ़िया है और क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है।
अब यहाँ पर हमारा लगभग पीसी बिल्ड जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपके पास मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, बाकी सारे पेरिफेरल्स ऑलरेडी हैं तो आप केवल यहीं तक ही इसे ही बिल्ड कर लो, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर ये चाहते हो कि आपको गेमिंग पेरिफेरल्स भी मिल जाए, साथ ही में हाईर रिफ्रेश रेट का मॉनिटर भी मिल जाए, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने इसमें पेरिफेरल्स भी इंक्लूड करे हुए हैं। इस बिल्ड में यहाँ पर जो मैंने मॉनिटर लिया ना वो आता है सैमसंग की तरफ से CRG50। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ ना, मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। पर्सनली मैंने खुद इस मॉनिटर को 11,800 रुपये में ख़रीदा है और अगर आप नॉर्मल ऑनलाइन सर्च करते हो तो ये आपको 15,000 रुपये का मिलता है। मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे ग्रुप से ख़रीद लो या ऑफलाइन सेलर से ख़रीद लो, तब ये मॉनिटर वहाँ पर आपको 13,000 रुपये का बहुत आराम से मिल जाता है। इस मॉनिटर के बारे में बताऊँ आपको तो ये मॉनिटर आपको 23.8 इंच की स्क्रीन प्रोवाइड कर देता है जो कि VA पैनल है, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और बाकी लुक वाइज भी बढ़िया है, थोड़ा सा कर्व मॉनिटर है ये। मैं आपको बताऊं पर्सनली इस मॉनिटर को मैं खुद अपने मेन पीसी पर यूज़ कर रहा हूं, तभी मैंने आपको ये मॉनिटर रिकमेंड किया है और साथ ही में मैंने इसके 10 यूनिट और ख़रीदे हैं अपने गेमिंग कैफे के लिए। बाकी अगर बात आती है वही माउस, कीबोर्ड, हेडसेट और माउस पैड की, तो अगर आप ये चारों चीज़ें लेना चाहते हो तो आप रेड गियर का कॉम्बो ले सकते हो जो कि आपको 2200 रुपये के आसपास मिल जाता है। क्वालिटी जो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो बिगनर्स के लिए बढ़िया है और जो इस प्राइस पे आ रहा है वो भी अच्छा है। वही अगर आप इसका दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो आप ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब वॉर के साथ भी जा सकते हो। माउदर कीबोर्ड हालांकि यहाँ पर मिलता है केवल, वो केवल आपको 1,000 रुपये का मिल जाएगा, तो आपको 2500 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1,000 रुपये में ही आप केवल माउस और कीबोर्ड ले सकते हो। और ज़ेब्रोनिक्स जो आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल सॉलिड है। तो ये था हमारा फुल सेटअप बिल्ड जिसकी ओवरऑल कॉस्ट है लगभग 50,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो आप 1650 सुपर की जगह RX 570 के साथ जा सकते हो, यहाँ पर सैमसंग के मॉनिटर की जगह आप एसर के AOPEN मॉनिटर के साथ जा सकते हो, तब यहाँ पर आप लगभग ना 4-5 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा और भी सेव कर लोगे। वही अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बढ़िया रखना चाहते हो तो जो पेरिफेरल्स मैंने आपको रिकमेंड करें आप उनके साथ जाओ, वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देंगे। बाय द वे यहाँ पर मैंने जितने भी पीसी पार्ट्स मेंशन करे हैं उनका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर से आप लोग जाकर उसे परचेज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों का बिल्ड ना लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे चैनल पे एक नेक्स्ट वीडियो आएगा 1-2 दिन में, जहाँ पर मैं इस बिल्ड को फुल्ली रिव्यू करूँगा कि अगर आप इस पर गेमिंग करते हो आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपका वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपको पेरिफेरल्स कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वेल तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।